सुनने में आ रहा है काजल भी आ रही है। आ रही है, इसी में तो है, आई हुई है, आ गई है, इसी में तो है। सुबह टिकट घर के जस्ट ऊपर बना हुआ है, उसका मूर्ति वायरल काजल के नाम से आप लोग देख सकते। और इस थिएटर को फ्रेंड्स कल ही लाइसेंस मिल गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं शोभा सम्राट थिएटर के पास, और फ्रेंड्स सुनने में आया है कि कल ही से फ्रेंड्स इस थिएटर को लाइसेंस मिल गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं कि इसमें किस किस तरह का इंतजाम रखा गया है और किस किस प्रकार का यहाँ पर कॉस्ट सेट किया गया है कि आप सबसे आगे रहिएगा तो फ्रेंड्स कितना प्राइस लगेगा और सबसे पीछे रहिएगा तो कितना प्राइस लगेगा। और देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से शोभा सम्राट थिएटर को सजाया गया है, देख सकते हैं। और इस बार शोभा सम्राट थिएटर में देख सकते हैं फ्रेंड्स काजल भी आने वाली है, और देखिए उसका मूर्ति भी यहाँ पर बना हुआ है। देखिए वायरल काजल, टिकट घर के जस्ट ऊपर बना हुआ है उसका मूर्ति वायरल काजल के नाम से आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, काजल को आना चाहिए कि नहीं। और आप प्राइस रेंज का बात करें तो फ्रेंड्स 200 से प्राइस रेंज चालू होने वाला है फ्रेंड्स। 200, 400, 600 और 1200, चार तरह का प्राइस रेंज यहां पर रहने वाला है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड्स आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर से दिखाने का कोशिश करते हैं कि किस किस तरह का यहां पर सेटअप किया गया है और चेयर वाला सीट कितने में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरह का ये सजावट है। और फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा, तो वीडियो में हम अंदर लेके जाते हैं और दिखाने का कोशिश करेंगे कि किस किस तरह का यहाँ पर चार तरह का स्टेप बनाया गया है, चार तरह का प्राइस रेंज रखा गया है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चेयर का व्यवस्था किया गया है, चार पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट वो खड़ा होकर देखने वाला, दूसरा पार्ट चेयर वाला पार्ट होने वाला है, और तीसरा भी पार्ट पास में थोड़ा होने वाला है लेकिन चेयर वाला होने वाला है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और कुछ इस तरह का इंतजाम किया गया है और जगह जगह डीजे बॉक्स लगाया गया है। और इस थिएटर को फ्रेंड्स कल ही लाइसेंस मिल गया है, ये तो बहुत बड़ा बात है फ्रेंड्स कि लाइसेंस मिल गया है फाइनली। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरह का शोभा सम्राट थिएटर सज के तैयार हो गया है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरह से स्टेज सजा हुआ है थोड़ा सा। और इस बार सुनने में आया है कि फ्रेंड्स बहुत अलग अलग तरह के अदाकार यहां पर आने वाले, नाच अपना दिखाने के लिए फ्रेंड्स अलग अलग प्रकार के यहां पर आने वाली हैं अदाकार फ्रेंड्स। और इस बार शोभा थिएटर में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरह से सजाया गया है, इस तरह का सजावट है। और लाइटिंग वाइटिंग का व्यवस्था देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी बढ़िया और बेहतर कराया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अभी भी फ्रेंड्स इसको लगातार तरह से दुरुस्त किया जा रहा है फ्रेंड्स। और सुनने में आ रहा है कि सपना भी इस शोभा थिएटर का शान बनने वाली है फ्रेंड्स इस एक। अभी हम शोभा सम्राट थिएटर के जस्ट सामने खड़े हैं और जानते हैं फ्रेंड्स कि इस शोभा सम्राट थिएटर को कब लाइसेंस मिला है। ये शोभा सम्राट थिएटर को लाइसेंस मिल गया क्या? कल मिल गया। और कितना टोटल थिएटर लगा हुआ है इस मेला में? छह थिएटर लगा है। और सुनने में आ रहा है काजल भी आ रही है, आ रही है, इसी में तो है, आई हुई है, आ गई है, इसी में तो है शोभा सम्राट थिएटर। और बताइए और क्या, सही ढंग से मेला कल से चालू हो गया है, चल रहा है मेला अच्छी तरह से, भीड़ पब्लिक का गिरा हुआ है, सबसे ज्यादा भीड़ आने मतलब आज ही लगा है मेला, आज ही मेला लगा, कल से ज्यादा भीड़ है, कल से ज्यादा भीड़, मार्केटिंग नहीं है और थिएटर वगैरह चल रहा है, झूला इस सब परमिशन मिल चुका है गवर्नमेंट के हिसाब से, सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। कल अच्छे से थिएटर में कल बंदी थी, कल पूर्ण रूप से बंदी थी जिसके कारण
सब कुछ दुकानदार सब अति से बंद किया गया, थिएटर का लाइसेंस नहीं मिला था और ये झूला वगैरह का नहीं मिला था, तो उसी के कारण आज लाइसेंस मिल गया। कल ही मिला था। अच्छा कल ही मिला। कल चला भी था थिएटर। कल चला भी था। कल चला भी थिएटर। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए और दिखाते हैं फ्रेंड्स सोनपुर मेला को। और इस बार शोभा सम्राट थिएटर में देख सकते हैं फ्रेंड्स काजल भी आने वाली है, और देखिए उसका मूर्ति भी यहाँ पर बना हुआ है। देखिए वायरल काजल, टिकट घर के जस्ट ऊपर बना हुआ है उसका मूर्ति वायरल काजल के नाम से, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, काजल को आना चाहिए कि नहीं शोभा सम्राट थिएटर में। और लाइसेंस मिल गया है फ्रेंड्स शोभा सम्राट थिएटर को। तो मिलते हैं एक और फ्रेंड ब्लॉग के अंदर। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।